तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना, आ जाओ। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर बेबी ब्लॉग। अब आप उससे पहले कहेंगे मैं डक्की भाई या बाकी पाकिस्तानी ब्लॉगर जैसा बन रहा हूँ, यू शट अप। भाई क्या करें, बच्चा है उसकी थोड़ी सी तो चीजें बातें करेंगे ना। मेरा ही बच्चा है वो भाई। और अब हमने उसके नाम की भी बात करनी कि हमने क्या नाम डिसाइड किया, और फिर नाम के साथ साथ कुछ गिफ्ट्स भी हैं छोटू के, जो हम ओपिनियंस हैं नाम के बारे में, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। तो असल में हमने प्लान ये किया कि मामू लोग वगैरह आ जाए, अभी हम उनके घर में रह रहे हैं ना, तो फिर उसके बाद हम एक बॉक्स रखेंगे, उस पर सारे अपने अपना नाम डालेंगे, जो नाम निकलेगा उसमें फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे, वो नाम उसका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ इसके गिफ्ट आए थे तो वो खोले थे, गिफ्ट तो बहुत ज्यादा थे। तो पहला आया है हमारे पास, वही मैंने ज्यादा ही निकाल ली, ये तुम निकालो। इट्स लाइक अ पैक पैक। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या वाइफ बीटर? वाइफ बीटर पता क्या होता है? क्यों पता नहीं। अच्छा वाइफ बीटर होता है वाइट रंग का, जो बनियान नहीं होता बेसिकली। इट्स रियली क्यूट बट इट्स लाइक 12 टू 18 मंथ। तो बहुत बड़ा है इसके लिए, हाँ इसमें मेरे चार बच्चा आ जाए, वो बहुत ही छोटा है वो। इट्स गुड कि हमारे पास फ्यूचर के कपड़े हैं। हाँ उसके बाद फिर हमारे पास आ गया है, उसके बाद हमारे पास ये ओल्ड नेवी की शर्ट आई है बच्चे की, ये देखो जरा चीता बना हुआ बेसिकली। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा होगा फिर इसको हम पहनाएंगे, अभी तो यार ये बड़ी इसकी प्यारी प्यारी चीजें आई हुई है। बच्चे छोटे होते हैं तो वो मोस्टली स्वाडल्स में रहते हैं, तो कपड़ों का तो पता चलता है, कपड़ों का वैसे ही पता है, स्वाडल होता है बेसिकली, वो बांध देते हैं ना उन्हें रैप करके। सबको सीख लिया, पैंपर चेंज करना, स्वाडल करना, पेपर मैंने से हॉस्पिटल भी चेंज किया था लेकिन वाइप करना, हाँ ये इजी सीन है, इतना मुश्किल नहीं होता, बस प्रो हो गया मूसा, पोटियां बहुत करता है लेकिन कोई मसला नहीं, ये तो बच्चे करते ही हैं। ये टू पी सेट है साथ अगेन, इसमें आप देखो ये ब्लू शर्ट है, ये इसकी फुल स्लीव वाली, और साथ है हमारे ये ऑरेंज पजामा। उसके बाद बहुत ही बड़ा वो, ये तो तुझे भी आ जाए सूफी, इधर आ जा सूफी, मामू का नहीं दूसरा बेटा, ये इसके लिए उन्होंने भेजा है, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा, इसमें तो मैं भी फिट, इसमें तुम फिट हो जाओगी मेरे ख्याल है, लिखा हुआ लिटिल वन ऊपर से, ये देखो जरा। सूफी हम आपको गिफ्ट करते हैं आपकी बर्थडे का गिफ्ट। टू पी सेट एक और आ गया है, ये चेक करो जरा, ये अच्छा, इसकी मुझे पॉकेट अच्छी लगी है। सूफी बताओ तुम्हारे लिए सही है? चलो माशाल्लाह इन्होंने काफी अच्छे हमें कपड़े दिए हैं। और यार दूसरा वाला हम रिव्यू बाहर जाके ना करें, बाहर वेदर वगैरह अच्छा हो रहा है थोड़ा सा, हम बाहर जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, दूसरा वाला बॉक्स जो ये वाला है ना वो बाहर जाके रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये वाला मैं खोलने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा सजा है। तो एक्चुअली बहुत सीन ये हुआ कि हमारा जो बेबी है वो उठ गया था बीच में, वैसे भी हमारी जगह सारी चेंज हो रही है, तो ये छोटू उठ गया है हमारा, तो फिजा मुझे इसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, इसको पकड़ के रिव्यू करना। हाँ उठा हुआ है, पूरा उठा हुआ है, हालांकि इतना सुलैस है मुश्किलों से, ये पकड़ो जरा ध्यान, तो उसको फिजा ने पकड़ा हुआ है, तो हम साथ इसको खोलेंगे, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, जैसे रिबन है, इसको हम खोलते हैं, रेडी हो साथ में, अगर आपको कुकू काका की आवाज आई ना तो बेबी की है साइड पे, सो गया बच्चों के कपड़े बड़े फिट होते हैं छोटे छोटे से, तो ये देखो सॉक्स ना उन्होंने किसी चीज के ऊपर कवर के ऊपर चढ़ाई हुई है। बाकी एक और सॉक्स है, ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये देखो ये वाली डायनासोर बना हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये क्या है? इट्स फीडर। फीडर? नो नॉट लाइक फीडर, फ्रूट्स मश करके डालते हैं और बच्चे ने यूं करके मुंह में इसको सिर्फ जूस जूस जाता है। ओह अच्छा अच्छा, लाइक पल्प उसका रह जाता है बट जूस चला जाता है, जूस चला जाता है। तुम्हारा माइक ऑन है? हां माइक ऑन। ओह फर्स्ट क्लास, बड़ी क्रिएटिव चीजें बनाई हैं बच्चों की। फिर उसके बाद ये क्या है? सारे डिप्स। अच्छा अच्छा, वो नहीं क्लॉथ्स होते जिसमें उल्टी वगैरह कोई कर दे तो नीचे रखते हैं खाने खाने वक्त, तो वो वाली चीज है। उसके बाद क्या है हमारे पास? हमारे पास है ढेर सारी बिब्स और ढेर सारे कपड़े, इतने ज्यादा कपड़े। ओए तो फिर बड़े के कपड़े हैं, साथ लेटर भी है। फिजा ये लेटर तुम पढ़ लो फिर, ठीक है। दिया ना सर मैं इसलिए, इस फिजा की दोस्त ने, फ्रेंड ने गिफ्ट किया उसे, तो रोर मींस आई एम हंग्री। ओए होए होए, ये देखो सारे डिजाइन, ठीक है। और उसके बाद ये इसकी शर्ट है, कपड़े साइज 6 to 9 months है। मैं तो बड़े बच्चों के हैं अभी ना, ये सारी जो चीजें ना, बच्चा बड़ा जब होगा ना तब पहनेगा, तो ये चेक करो जरा। ओ मिकी माउस भी आ गया, ये ले जी मिकी माउस की कलेक्शन आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है ये? कितना प्यारा ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला फिट है, क्या बात है क्या बात है। मैं इसको कपड़े पहनाऊंगा एनएमए वाले, मैं हमने ना हॉलोवीन में प्लान किया हुआ है, वो डीमन स्लेयर वाले कपड़े पहनाने से, तो पूरी तैयारी की हुई है इसकी ना, इसको ऐसे ऐसे कपड़े बनाएंगे, ये अच्छा है ये वाला आउटफिट, लेकिन ये भी काफी बड़ा होगा तब पहनेगा। और ये वाला भी है एज यू कैन सी। और उसके बाद क्या है? वाह जी वाह, कम्बल मंबल, कम्बल तो अच्छी चीज है, कम्बल की हमें जरूरत पड़ी जाती है, एक ही था अभी हमने इसका लिया नहीं था, तो ये बड़ा मुलायम मुलायम सा कम्बल है इसका।
तो एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, मामू जब आते हैं फिर ये ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी जरा बच्चे को जरा सुला दें जाके, जरा इजी करा दें। अब लाइफ बदल गई ना, पहले फिजा को मुझे टेक केयर करना पड़ता था, अब बेबी की टेक केयर करनी पड़ती है। उफ, मैं तो थक जाता हूँ। ऐसा ही है, फिजा को बेबी की टेक केयर करनी पड़ती है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी करता हूँ, ऐसे ही मारी जा रही है भाई। आपको पता है सारी रात जो मैं ये व्लॉग एडिट करके लगा रहा होता हूँ, बीच में कोई 20 दफा तो उठता है। तो मैं ना कोशिश कर रहा होता हूँ कि फिजा की नींद पूरी हो जाए और फिर मैं इसको उठा के बाहर ले जाता हूँ। लेकिन अब जब खाना पिलाने की बारी है चीज़ों की, तो मैं क्या करूँ उसमें, मुझे समझ ही नहीं आती। ये फिजा समझ जाती है। अरे बाप का काम पता है कब शुरू होता है? 7 साल के बाद। 7 साल के बाद? हाँ ऐसे ही होता है। नहीं, 7 साल से पहले देखो, 7 साल से पहले क्या होता है कि माँ 7 साल तक देखती है कि बच्चा क्या करे। बाप जब बड़ा होता है उसके बाद बाप फिर ट्रेनिंग कराता है उसकी, हाथ बांध के ना पीछे, फिर मैं इसको एक्सरसाइज कराऊंगा, इसको लेसन दूंगा जो मैं इंस्टाग्राम रील और टिकटॉक पे देता हूँ। और से याद है मुझे फॉलो कर लेना आप, ठीक है? तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये, मामू आ गए थे वापस, जरा भी बाहर गए थे, पता नहीं क्या करने, नाम सोच पे गया था, अभी वापस आए। खैर, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि अभी हम नाम डिसाइड करने बैठे हैं सारे टेबल पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है? अभी ये सूफी नहीं नजर आ रहा है, अभी बैठा हुआ है, मामू का दूसरा बेटा है, मामू की वाइफ भी नाम में इंक्लूड है, तो 6 लोग हो गए, 6 वोट्स हैं, ठीक है? तो क्या आप लोगों के नाम के सजेशन है? नहीं, पहले ध्यान शुरू करें। हाँ जी, क्या नहीं कहता कि मेरे नाम पे सारे यहाँ से जमाल जमाल हो गया, माला माल जमाल, जमाल तो यहाँ पे उनका नाम होता है, मतलब ब्लैक पीपल नेम इज जमाल। एक्चुअली जमाल पे तो तेरा जोक बनाता यार, जमाल जो भी देख रहा माइंड कर देगा। नहीं बात, बहुत अच्छा नाम है, बट मैं नहीं, आई थिंक पुराना नाम है और ऑलरेडी कई लोगों का है। यहाँ पे ट्रेंड चला था बड़ा रेसिस्ट के सब, वो कहता है कि किसने चोरी की घर में, पहले 2 वाइट बच्चों के नाम आते हैं, जमाल नाम आता काला बच्चा। तो चलो तुम्हारा नाम कमाल हो तो फिर हम जमाल का सोच लेते। हाँ, कमाल जमाल धमाल दूसरा। अब बताओ, आप बताओ। नहीं तुम बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं लिखूंगा। हम दोनों ने बेसिकली प्लान किया हुआ एक नाम ना, वो हम लोग। हाँ, तुम्हारा अपना नाम है, मेरा अपना नाम है, आप बताओ। मुझे तो एक नाम, देखो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बड़े याद आते हैं। हाँ जी। आज के मेरे लाइफ में 2 लोग बड़े प्रोमिनेंट पॉपअप होते रहते हैं ब्रेन में। कौन? ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ उसका नाम सईद ना रख ले। नहीं, सईद रखे कैसे, इसका लास्ट नेम सईद है। इसलिए कह रहा हूँ ना, इसके नाम के हिसाब से। नहीं नहीं, क्या सईद सईद हो जाए उसका नाम फिर। नहीं, सईद सईद कैसे होगा, नाम तो मेरा जाएगा लास्ट। बहुत ही फीका नाम है, इसका भी मैं नेम चेंज कराना है भाई, चेंज नहीं कराया अभी तक। फिजा खान है इसका नाम, लेकिन फिजा सईद हुआ है, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो अभी तक किया नहीं हमने। सूफी तुम्हारा क्या नाम है? सूफी नाम सूफी कहते शोरमा। सूफी इधर आओ, क्या कह रहे हो? स्किबिडी ओहायो ना रख लो उसका नाम। व्हाई नॉट बोरिटो? अच्छा, क्योंकि वो उसको हमने वो फॉर्डल किया होता ना, तो उसको वो शोरमा बोल रहा है, पराठा रोल ना रख लें उसका नाम। चलो कैरिश बताइए। आदम, आदम, एडम। हाँ, ये मैंने सोचा था, आदम भी मैंने एक नाम सोचा था, आई लाइक इट, दम वाला नाम है। तुम्हारी बिल्ली का नाम वो बलकीस है, बशीर एक और था, उसका नाम मीना नहीं। पॉइंट मैंने माफ कर दो, उनते मेरा बच्चा हो गया। लिटिल एम जो आप बताए ना, हाँ मैं जाता था लिटिल एम, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। नहीं जाता था मैं, नहीं जाता था मैं, मुझे नहीं पता कुछ क्या बोले जा रहे हैं। कुछ भी भाई, कुछ नहीं, एक का पार्ट कट हो जाएगा। क्या कह रहे हो? ईसा, मूसा, ईसा, दूसरे का नाम फिर क्या रखूंगा? चीसा। नहीं यार, ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है वैसे, मुझे नहीं लग रहा हम किसी नाम पे ऐसे आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, सारे चिट्ठियों पे नाम लिख रहे थे मैंने और फिजा ने डिसाइड किया था, कुरानदाजी करेंगे, जिसका नाम आया तो वो रखना पड़ेगा, जो भी नाम निकल आए। हाँ, पे रखेंगे, पक्का हो गया। लेकिन हम सारे अच्छे नाम लिखेंगे। हाँ चलो, चलो जी, सब बारी बारी लिखो, उसकी वीडियो ओहायो ना लिख देना, पता चले शिवार में आ रहा भाई, जो नाम आ गया वो रखना पड़ेगा, शोरमा वो भी रखना पड़ेगा, शोरमा का। चलो जी, रेडी हो गया? यस सर। डालो जी, डालो। छन 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 सूफी 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 निकालेगा। चलो डन हो गया। शुआर्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लो जी, मेरा नाम निकल आए। नासिर, बच्चे का नाम नासिर जूनियर। You want me to say it? Yes. Yes. Zena. Oh, nice.
ओ भाई क्या हो गया, ओ हेलो लड़की का नाम आइजन, ओए 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 आइजन खान, आपकी पर्ची है, अच्छा उनकी पर्ची, वाह जी वाह, आइजन हो गया, बस इसका नाम हो गया आइजन खान, ये आई है वैसे, एल नहीं है, एल जिन समझ रहे हो लोग, लेकिन हम बाकी पर्ची भी देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या नाम है। लो जी सर, चलें जी बाकी पर्ची भी खोल के देखते हैं। चलो मैं खोलता हूँ, पकड़ना कर रही आपने, चलो आइजन खान, फिर से आइजन खान, आइजन खान भाई ये देखो सारी पर्चियां, लास्ट वाली देखते हैं, इस पे शवरमा आ रहा कि नहीं, वाह जी वाह, ये भी आइजन खान, कुछ समझे दया, इसका मतलब है हाथ चला दे, आपके साथ प्रैंक हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि हमने नाम ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था सबने, इसका नाम मैंने रखा था, सोचा था, और फिजारा में मैंने बैठ के फिर मामू को बताया, सबको बड़ा पसंद है आइजन खान, इसका नाम AIZEN अरेबिक में हम नाम ढूंढ रहे थे मैं और फिजा ना, तो एक टिकटॉक है जिसपे देखा था, आइजन मीन स्ट्रॉन्ग एंड कम्प्लीट, मतलब वो पर्सनैलिटी पर उतर भी रहा है, तो हमने बेसिकली कहा कि सारे एक ही पर्ची पर नाम डालेंगे और निकलेगा, तो मुझे फिर भी डरता है शोरमा ना आ जाए बीच में। बॉयज एंड गर्ल्स होपफुली आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग हमारा छोटा सा ये नेम वाला, और नाम मैं वैसे नहीं बताना चाहता, मैंने कहा ब्लॉग बना के थोड़ा फन करके करते हैं, अब जो अगला ब्लॉग होगा इंशाल्लाह वो शिफ्टिंग वाला होगा जो मैंने सारा रिकॉर्ड किया, दैट्स आल्सो प्रीटी फन, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं आगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स का पता चल जाए। चलो जी।